फिर स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमें सबमिशन कहाँ करना है। मैं आपको ये बता दूँ, जिसका पासपोर्ट साउथ का होता है, लाइक इशू साउथ साइड और नॉर्थ साइड, ठीक है, ये दोनों का अलग अलग सबमिशन होता है। नॉर्थ वाले नॉर्थ में ही सबमिशन कर सकते हैं और साउथ वाले साउथ में सबमिशन करते हैं। कुछ कैंडिडेट एजेंट जो होते हैं वो साउथ के स्टूडेंट से कैंडिडेट जो होते हैं उनका सबमिशन नॉर्थ में करवाते हैं, तो नॉर्थ में अपॉइंटमेंट डेट पहले बुक तो हो जाता है, बट जब आप सबमिशन के टाइम में जाते हो वो वहाँ पे आपकी फाइल एक्सेप्टेड नहीं करता। तो एक तो अपॉइंटमेंट डेट इतना इजीली नहीं मिलता है, वो टाइम वेस्ट होता है। तो याद रखना जुडिशन के अकॉर्डिंग होते हैं जो कैंडिडेट नॉर्थ में, जैसे दिल्ली है, कुछ एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कुछ कैंडिडेट दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं आपके, कुछ हरियाणा के, ये लोग सबमिशन अपने दिल्ली VFS में, चंडीगढ़, जयपुर, यहाँ जाके अपना सबमिशन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट हैं जो मुंबई में है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये ओनली सबमिशन यहाँ पे मुंबई में ही मुंबई कर सकते हैं, चेन्नई कर सकते हैं, बैंगलोर VFS में कर सकते हैं, तो इन्हीं VFS में जाके कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे VFS में अप्लाई, जैसे दूसरे नॉर्थ VFS में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना अपॉइंटमेंट डेट बुक करते समय, नॉर्थ और साउथ वाले कैंडिडेट। सो और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसकी दो तीन पार्ट बना दूंगी, ये मेरा सेकेंड पार्ट है और आप चेक कर लेना। थर्ड पार्ट अगर आपको, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन